रही बर्फबारी से समूचा उत्तरी भारत इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। वहीं मैदानी इलाके भी कड़ाके की ठंड झेल रहे हैं और ठंड का जो सितम है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं स्काई मिट वेदर के मुताबिक कल यानी कि 23 दिसंबर से अगले 6 दिनों तक कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। बता दें कि इस बढ़ती ठंड से लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज से दिल्ली के मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। राजधानी में आज आसमान में बादल छाए रहने वाले हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत फिलहाल नजर आ रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश के कई इलाके हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, या फिर पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, यहाँ पर लगातार शीतलहर चल रही है। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है जिसकी वजह से दिल्ली तक जो शीतलहर है वो पहुंच रही है। किन किन राज्यों में ठंड बढ़ेगी ये भी जानना जरूरी है, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए कि सुबह की तस्वीरें हैं जब चारों तरफ जो कोहरा है वो छाया हुआ था। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली में भी सर्दी का जो सितम है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोग जगह जगह पर अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो किन राज्यों में ठंड बढ़ेगी ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर आने वाले समय में ठंड और ज़्यादा बढ़ने जा रही है। यानी कि जैसे दिसंबर का लास्ट होगा वैसे वैसे ठंड का जो सितम है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। यानी कि एक तरफ ओमिक्रॉन का खतरा, दूसरी तरफ ठंड का सितम, आने वाली जो क्रिसमस है और जो न्यू ईयर है उस पर इसका खासा असर देखने के लिए मिल सकता है, ओमिक्रॉन का भी और ठंड का भी। ऐसे में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। साथ ही साथ बहुत ही कम लोग जो हैं वो दिखाई देते हैं सड़कों पर। मेरे सहयोगी जितेंद्र लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, ठंड का जो सितम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, अगर गाजियाबाद की हम बात करें तो गाजियाबाद में किस तरह की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि सुबह सुबह तो बिल्कुल कोहरा छाया रहता है। जी बिल्कुल, देखिए सुबह की अगर बात करें, सुबह लगभग 4 बजे से लेकर 10 बजे के आसपास तक सूरज नहीं दिखाई दिया, क्योंकि लगातार जिस तरह से धुंध थी उससे ठंड बढ़ी हुई थी और सूरज नहीं लोगों को दिखाई दिया। ठंड के अगर तापमान की बात करें तो लगभग 6 डिग्री से लेकर जो है तापमान यहाँ पर बना हुआ है, और जैसे जैसे दिन ढलता है तो वो धीरे धीरे 12 से 15 पहुँच पाता है, फिर उसके बाद वापिस ढलना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल जितेंद्र, आने वाले समय में क्या गाजियाबाद के लोगों के लिए ठंड और ज़्यादा कहर बरपा सकती है, और अगर जिला प्रशासन की हम बात करें तो जिला प्रशासन की तरफ से क्या गाजियाबाद में इंतजाम किए हुए हैं ठंड से बचने के लिए? जी बिल्कुल, गाजियाबाद के अगर प्रशासन की बात की जाए तो रैन बसेरों का जितेंद्र आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करूंगी आपसे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ठंड से जो शीत लहर है वो और ज्यादा बढ़ रही है। ठंड की वजह से आम जनता परेशान है, लेकिन अभी भी ठंड से राहत नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। आने वाले समय में बताया जा रहा है कि जो आने वाला दिन है वो और ज्यादा ठंडे हो सकते हैं। है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन ठंड के साथ साथ जो पॉल्यूशन का स्तर है वो भी खराब श्रेणी में चल रहा है। जी हाँ, एक तरफ ओमिक्रॉन का खतरा, दूसरी तरफ ठंड का सितम, तो तीसरी तरफ पॉल्यूशन का और ज्यादा बढ़ना। दिल्ली एनसीआर फिलहाल ओमिक्रॉन और ठंड और प्रदूषण से जकड़ी हुई है। बात करें तो यहां हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग रिसर्च के मुताबिक दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्तर से गंभीर श्रेणी के बीच रिकॉर्ड किया गया है। सफर के ताज़ा डाटा के मुताबिक बुधवार की सुबह ये 385 पर रिकॉर्ड किया गया। वहीं IQR के मुताबिक तो दिल्ली आज दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, जिसके बाद लाहौर और ढाका है। कोलकाता 6ठे स्थान पर और मुंबई 12वें स्थान पर बना हुआ है। पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है, इसका सितम लगातार बरकरार है। AQI लगातार दिल्ली का बढ़ता हुआ जा रहा है। अभी भी यहाँ की हवा
सही नहीं हुई है। अभी भी 385 AQI लेवल बताया जा रहा है। नोएडा की हम बात करें तो नोएडा में पॉल्यूशन का स्तर सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है, 507 बताया जा रहा है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, NCR हो, तो ऐसे में चिंता की बात ये है कि आखिर किस किस चीज़ से हम लड़ें। क्या हम ओमिक्रॉन से लड़ें, क्या हम ठंड से लड़ें, या फिर हम प्रदूषण से लड़ें। तो प्रदूषण का स्तर क्या है, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए, दिल्ली में AQI जो है 385 है। अगर इसके अलावा दूसरे इलाकों की हम बात करें तो वहाँ पर भी कोई अच्छे हालात नहीं है। नोएडा में AQI 507 है। इसके अलावा नोएडा के अलावा गुरुग्राम की हम बात करें तो AQI 319 है। ये तीन जगह ऐसी बताई जा रही हैं जहां पर प्रदूषण का जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है। दिल्ली में 385 यानी कि बहुत गंभीर श्रेणी में, नोएडा यानी कि बहुत ही ज्यादा गंभीर रेड जोन कहा जा सकता है पोल्यूशन का। इसके अलावा गुरुग्राम में भी हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं, 319 बताया जा रहा है AQI। यानी ये कहा जा सकता है कि प्रदूषण का स्तर पिछले 3 महीनों से कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रखी है, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, लगातार फटकार लग रही है। वहीं राज्य सरकारों की हम बात करें तो राज्य सरकारों की तरफ से कहा जाता है कि हम लगातार प्रदूषण को कम करने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम जो है उसको बहुत कम कर रहे हैं। इसके अलावा हम स्मॉगिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पॉल्यूशन में किसी तरह से राहत मिल सके। लेकिन उसके बावजूद भी है हालात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हालात बिगड़े हुए हैं, हालात सुधरने के नाम नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में ठंड के साथ साथ जो भी पॉल्यूशन हवा में घुल रहा है तो और ज्यादा जहरीला हो रहा है। मेरे सहयोगी जितेंद्र लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, अगर बात हम करें तो ओमिक्रॉन में आपने अपडेट दिया, ओमिक्रॉन के हालात कैसे हैं, इसके अलावा ठंड का सितम कितना ज़्यादा है उस पर भी आपने अपडेट दिया है। लेकिन अगर मैं पॉल्यूशन की बात करूं तो पॉल्यूशन भी कम नहीं है, भी एक खतरा है फिलहाल दिल्ली NCR के लिए। जितेंद्र जी बिल्कुल, दिल्ली NCR गाजियाबाद की अगर बात करें तो पिछले 3 महीनों से गाजियाबाद अपनी एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से लगातार जूझ रहा है, क्योंकि लगातार खराब स्तर में पहुंच चुकी है। और अगर आज की बात करें तो आज गाजियाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो वो 387 पहुंच चुका है, जो कि बेहद ज्यादा खराब है। गाजियाबाद को 4 जोन में बांटा गया है, जिसमें सबसे ज्यादा जो खराब है वो संजय नगर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इसके बाद लोनी की अगर बात की जाए तो 384 वहां पर है, और इंदिरापुरम और वसुंधरा की बात की जाए तो वहां पर भी 374 के आसपास का है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार 3 महीने से गाजियाबाद के जो लोग हैं वो खराब हवा को झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद ज्यादा हानिकारक ये बैठ सकती है। जी बिल्कुल जितेंद्र, और अगर बात की जाए प्रशासन की तो प्रशासन क्या इसको लेकर आंखें खोले बैठा है या आंखें मूंद रखी हैं अभी भी, क्योंकि 3 महीने से लगातार हम देख रहे हैं कि गाजियाबाद हो, नोएडा हो, दिल्ली हो, यहाँ के हालात बदतर हैं प्रदूषण के मामलों में। जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद की अगर बात करें प्रशासन को लेकर तो प्रशासन लगातार इसमें जो जल छिड़काव है वो करा रहा है, लेकिन वो जल छिड़काव नामात्र है, क्योंकि गाजियाबाद में इतनी सड़कें हैं कि लगातार वो सभी पर जल छिड़काव नहीं करा सकते, सिर्फ VIP एरियाओं में जल छिड़काव हो सकता है। लेकिन अगर बात करें लोनी इंडस्ट्रियल एरिया की, बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया की, या फिर तवी नगर की, यहाँ तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर लगातार इंडस्ट्रियल एरिया, जो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, क्या वो सिर्फ VIP इलाकों में छिड़काव करने की है पानी का, मतलब आम जनता जो गरीब जनता है उनकी कोई भी यहां पर वैल्यू नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए अगर गरीब जनता की बात की जाए तो गाजियाबाद में बहुत से ऐसे इलाके हैं जो अर्बन और रूरल है, पर चलिए जितेंद्र शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो प्रदूषण के साथ साथ ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन के साथ ठंड, ये तीन जो खतरे हैं वो फिलहाल दिल्ली NCR पर मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदूषण की वजह से आम जनता त्रस्त है, वहीं अगर बात की जाए ठंड की तो ठंड की वजह से भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और ओमिक्रॉन तो जिस तरह से कहर बरपा रहा है वो आप सभी को पता है। ऐसे में न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आपसे लगातार अपील करता है कि आप सतर्क रहें, साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि अगर आप भारत के जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। ओमिक्रॉन से बचने के लिए मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, प्रदूषण को कम करने के लिए अपने आसपास पौधे लगाएं। इसके अलावा अगर ठंड से बचना है तो अपने साथ साथ जो गरीब लोग हैं अगर जितना हो सकता है तो उनकी मदद आप कर सकते हैं। तो फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और बड़ी खबरें।